हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मंथ कंप्लीट। ये लोग सब फटी नहीं ना, बस सही है। खुद खा लिया, वाइफ को नहीं खिलाया केक? मैंने खा लिया, तुमने नहीं खिलाया। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यार खिलाते खिलाते खुद खा लिया। दिखाते हैं कि क्या चीज आई है हमारे लिए YouTube की तरफ से। वाओ 100 के। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे और पार्ट होंगे। आज है 22 दिसंबर, और जैसे कि आप लोग को बताता चलूँ, 22 दिसंबर मेरी बर्थडे का दिन है। आज मेरा जन्मदिन हुआ था, और मैं भी घर पर आया तो देखा मैंने कि पूरे में अंधेरा हो रहा है, लाइट गई हुई है। अभी मैं जाऊँगा अपना जनरेटर चलाने के लिए। इन लोग का फ़ोन आ गया था मेरे पास कि जल्दी घर आ जाओ। मुझे पता नहीं क्या इन लोगों ने सेलिब्रेशन करके रखी है, क्या तैयारी करके रखी हुई है। अब ऊपर जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या यार सेलिब्रेशन है, क्या तैयारी लोग ने की हुई है। पहले सबसे पहले जनरेटर चलाना है, फिर उसके बाद केक कटिंग होगी। चलो पहले जनरेटर चलाने जाते हैं, थक गया हूँ, अभी शॉप से आया हूँ। तो मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, देखते हैं लोग ने क्या सरप्राइज रखा हुआ है मेरे लिए। सेलिब्रेशन भी है और मेरी बर्थडे भी है। तो यार मैं घर पर आया तो देखा केक वगैरह ये आ चुका था, इस पर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे उब्बी और 1K कंप्लीट। तो बस सुभान का इंतज़ार हो रहा, पता नहीं सुभान कब आएगा, मेरे ख्याल से वो भी आ चुका है, देखते हैं जी। ये भी आ गया, चलो अब बस आ गया, जल्द से जल्द केक काटते हैं, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी डेढ़। ये घड़ी तो उन्होंने खराब कर दी है, 2 बज रहे हैं। एक बार ये सुभान को देते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से व्लॉग, उसके बाद कटिंग करते हैं केक। ये पकड़ के कब से खड़ी है पार्टी पेपर फाड़ने के लिए। तो चलो वो जल्दी से रेडी करते हैं केक वगैरह काटने के लिए। नहीं ना, बस सही है। खुद खा लिया, वाइफ को नहीं खिलाया केक? मैंने खा लिया, तुमने नहीं खिलाया। ओ माय, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यार खिलाते खिलाते खुद खा लिया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये अच्छा है, मजेदार। आप सुभान के बारे थैंक यू। केक वगैरह तो काट लिया, और ये सब कैसे फातिमा मेरी ये कैसे तीनों चारों खाने में लगी हुई, और एक चीज तो आपको दिखाना भूल ही गए जो सेलिब्रेशन थी। और एक चीज और आई है हमारे लिए YouTube की तरफ से, वो आप लोग को दिखाते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करें, बस दिखाते हैं। सुभान पकड़ेगा मोबाइल, तो उसके बारे में आपको दिखाते हैं कि क्या चीज आई है हमारे लिए YouTube की तरफ से। वाओ 100K, वाओ ब्यूटीफुल, बाबा उबैद पासिंग 100K सब्सक्राइबर। तो ये मिला है, और भी चंद गिफ्ट आए माशाल्लाह, रखे हैं, निकालेंगे और आएंगे दिखाऊंगा, निकालूंगा तो वो भी आप सबको दिखाऊंगा माशाल्लाह। काफी टाइम से ये आया हुआ है, तो सोचे थे कब इसको रिवील करें कब रिवील करें, लेकिन अब मौका मिला आज बर्थडे पे, तो इसलिए निकाल लिया, आपको दिखा भी दिया। इसको बस रखते हैं, केक खाना, ये लोग सारा खा लेंगे केक, हम भी थोड़ा बहुत केक खाते हैं, चल के खिलाओ थोड़ा सा केक। वो क्या थे, पूछ भी नहीं रही। अंकल मैंने पूछा था, कब पूछा आपने, बोला था नहीं नहीं आप लोग खाओ, झूठ सब झूठ। मैंने कहा अभी तो मुझे खिलाया, उन्होंने मुझे खिला नहीं देता कोई भी। क्या बस मेरे भी दुकान से घर पर आया हूँ, कल रात में काफ़ी लेट हो गया था, इस वजह से मैं सो गया था, और फिर सुबह के साथ मैं दुकान पे चले गया। अभी दुकान से आके मैं बैठा हूँ नमाज वगैरह पढ़ के, तो सोचा ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब मैं सोया, मैंने सुबह को देखा हिफ्जा सुभान मुइन ये सब लोग फातिमा वगैरह यहीं पे रुक गए थे, यहीं पे सारे सो रहे थे, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये लोग रुकने वाले हैं, ऐसा कोई सीन है।
इसलिए अगर कुछ पता होता तो कुछ ना कुछ रात में करते, फिर और शुगर मिला तो बस सो गया था। फिर सुबह सुबह दुकान से आया हूँ, मतलब सुबह उठ के दुकान पे गया, अभी आया हूँ दुकान से। इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सब ने देखा कि मैंने आप लोग को शो करवाया, प्ले बटन भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा सेलिब्रेशन भी कर लिए। और एक बात बताते हुए चलूँ यार आपको मैं, कि इतने टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा एक हफ्ते से, वो इस वजह ये थी कि नाना की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है ना, उनके मतलब फ्रैक्चर वगैरह हो गया टांग में, तो इसलिए व्लॉग्स वगैरह नहीं आते। बस आप सबसे दुआ है कि उनके लिए दुआ, आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। कल डॉक्टर ने कहा कि कल उनका ऑपरेशन होगा, साथ खैर से ऑपरेशन हो जाए और सब आराम से वो जल्द से जल्द घर पर आ जाए। एक हफ्ते से अम्मी परेशान है, सब परेशान हुए, बाकी कभी हॉस्पिटल जाना आना ये वो, हॉस्पिटल के चक्कर ही लग रहे हैं रोज़ाना। बस आप सबसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द दुआ करें कि नाना जल्द से जल्द हमारे सेहतियाब हो जाएं और जल्दी से घर पर आ जाएं बस। और अल्लाह पाक आप सबको भी और हम सबको भी अस्पतालों के चक्कर से बचाए। तो यार अब मैंने देखा कि यार ये देखो ये इन्होंने ये भी यहीं पे रखे हैं, मेरे रिंग लाइट भी यहीं पे रखी हुई, लोग ना हटाए नहीं यहाँ से, फिर बाद में कुछ हो जाएगा फिर दूसरी लानी पड़ेगी। और एक बात आपको बताते हुए चलूँ कि इंशाल्लाह जो मैंने आप लोग को बताया था कि फिल्म आ रही है हमारी कच्ची आबादी के डॉन, उसकी कल मतलब आखिरी सीरियल से मतलब कल आखिरी शूटिंग है, फिर वो एडिटिंग पे जाएगी और उसके अलावा फिर उसके बाद रिलीज़ करेंगे उसको इंशाल्लाह। ये आपको मैं डेट बता दूंगा कि किस दिन रिलीज़ की जाएगी, तो आप सबने लाजमी देखनी है कच्ची आबादी के डॉन। उसमें मेरा है किरदार, आप सबको देख लिया होगा अपने टाइटल में, जो मैंने अभी ट्रेलर डाला है ट्रेलर में आप लोगों ने देख ही लिया होगा सब, उसमें मेरा टाइटल क्या है, मैं क्या रोल कर रहा हूँ उसमें। और इंशाल्लाह आप सब इस फिल्म पे, हमारी इस टेलीफिल्म पे अपना प्यार दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह आगे और भी अपकमिंग टेलीफिल्म्स बनाते रहूँगा मैं सबके साथ मिलके। अभी ये जैसी है थोड़ी बहुत जैसी भी बनी है, बस आप लोगों ने उसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट ज़रूर करके बताना है किस तरह की बनी है, कैसी अच्छी लगी या नहीं। तो जैसे रिलीज़ होगी उस दिन मैं आपको, उससे दो दिन पहले मैं आपको डेट बता दूंगा क्या यार इस तारीख को फिल्म रिलीज़ हो जाएगी टेली फिल्म इंशाल्लाह। तो आप सब ने अपना प्यार का इजहार लाजमी करना है, ज़रूर दिखाना है। बस इस व्लॉग को आज मिनी व्लॉग तो समझ लें, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। आप इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आप सबसे दुआ दरख्वास्त है कि दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें नाना के लिए जल्द से जल्द वो सेहतियाब हो जाएँ। और आप सबको भी बहुत शुक्रिया कि आप सब ने 1K करवाया, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा था। बस व्लॉग को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।